बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आबिद राजे चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा फरमान सुनाऊंगा। उससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल आबिद राजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि डेली आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिश्तों की आमीन के साथ आमीन मिलाएं और पिछले तमाम गुनाह माफ़ करवाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई सूरह फातिहा के आखिर में आमीन कहता है तो इस वक्त फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं। अगर इस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है तो इसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई सूरह फातिहा के आखिर में आमीन कहता है तो इस वक्त फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं। अगर इस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है तो इसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सदकल्लाहु अज़ीम। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस हदीस पर आपने ज़रूर अमल करना है और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।